शख्सियत है जिन्होंने प्रेसिडेंट प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड जीते हैं। वो शख्सियत आपके सामने हाजिर है और वे माइक उनके हवाले कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान से स्पेशली आया हूँ इस प्रोग्राम में शरीक होने के लिए, जिसे हसन साहब सपोर्ट कर रहे हैं और वो ये चैरिटी शुरू करना चाह रहे हैं। चैरिटी के हवाले से आप लोग काफ़ी जेनरस हैं। मैं सुनता रहता हूँ कि इमरान खान यहाँ जब चैरिटी के लिए आते हैं तो अच्छे खासे डोनेशंस यहाँ से कलेक्ट करके जाते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में गुर्बत के हवाले से इस तरह का काम होता है लेकिन कम होता है। और ये चूंकि काम अल्लाह का डायरेक्ट काम है और हम इसको उसके लिए हम ही लोग हैं जो इस काम को आगे बढ़ाएंगे और आगे चलाएंगे। हसन साहब के पुष्ट पर जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनके नाम तो नहीं गिनवा सकूंगा लेकिन काफ़ी लोग हैं, मैं उनका भी मशकूर हूं कि उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया है। ये लोगों ने सोचा है कि ये ब्लड के सिलसिले में जो इक्विपमेंट वगैरह है वो लेकर खरीद कर यहाँ से और पाकिस्तान के मुख्तलिफ अदारों को जहाँ ज़रूरत है वहाँ उनको देंगे। मैं अपने बारे में क्या बताऊं, बस एक छोटा सा एक्टर हूं और आप लोग देखते हैं प्लेज हमारे मुल्क में भी बनते हैं और यहाँ बाहर रखकर भी कुछ बनाए पिछले दिनों यहाँ, बल्कि शायद अभी एक सिलसिला चल रहा है अपनों से दूर का, उसके कुछ एपिसोड्स चले हैं। तो मेरी मैं समझूंगा कि इस चैरिटी प्रोग्राम को अगर हम कामयाबी से चला लेते हैं तो मैं इस सिलसिले में अपने आप को बड़ा खुश नसीब इंसान समझूंगा। और ये इनको मैंने एक सजेशन दी हसन साहब को कि आपने ये कहा कि चैरिटी बॉक्स पड़ा हुआ है या डोनेशन बॉक्स, तो उसमें जो भी आपसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सके वो लें। लेकिन चूंकि हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा इंसान जो चैरिटी का काम कर रहा है अब्दुल सत्तार रेड्डी साहब, उन्होंने एक मुहिम चलाई थी, वो मुहिम थी झोली फैलाने की और उन्होंने उससे काफ़ी चंदा इकट्ठा किया था। मैं भी चाहूँगा कि मैं उस बड़े इंसान के नक्शे कदम पर चलूँ। आपको जरूरत तो होगी लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं ज़ाती तौर पर हर बंदे का शुक्रगुजार रहूँगा जो हमें बढ़ चढ़ कर इस सिलसिले के लिए डोनेशन दें। तो मैं खुद डोनेशन बॉक्स लेकर आपकी रो में आता हूँ और आप बहुत ज़्यादा जितना भी आप अफोर्ड करते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि इसी तरह से सिलसिला जो है वो ही आगे चलेगा। तो मैं ये माइक फिलहाल यहाँ रख देता हूँ और मैं डब्बा लेकर आपके पास आता हूँ। थैंक यू।